धर्मगढ़ क्षेत्र के बास्ती गांव में लगातार भालू के हमले सामने आ रहे हैं। बास्ती गांव के बुजुर्ग हर सिंह को घर के पास ही भालू ने घात लगाकर हमला कर घायल कर दिया। हर सिंह घर के पास काम कर रहे थे, तभी भालू ने उन पर घात लगाकर जानलेवा हमला किया। बास्ती के ग्राम प्रधान केदार महन ने बताया कि घटना 9:30 बजे के करीब की है, जब भालू ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। उसके बाद चीख पुकार मचने के बाद भालू बुजुर्ग को घायल कर जंगल की ओर भाग गया, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया जिनका इलाज चल रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विगत बहुत दिनों से हमारे क्षेत्र में भालू का अतिक्रमण जारी है। भालू के द्वारा हमारे क्षेत्र में सुचेर गांव में, भंडार गांव में, आज बास्ती गांव में भालू के द्वारा यहां पर अपना आतंक बनाया हुआ है, जिससे हमारे गांव के बहुत संज्ञानी श्री हर सिंह जी पुत्र गोपाल सिंह जी, जो कि हमारे गांव में लगातार पीने का पानी का स्रोत है चपिसला, उस स्रोत में पानी को लेने के लिए जा रहे थे नल को ठीक करने के लिए। तो रास्ते में जाते वक्त उनको अचानक एक जंगली भालू मिला, जिनके द्वारा उनको बहुत ही बुरी तरह घायल कर दिया गया है और मुंह में काफ़ी गंभीर चोटें हैं। और हम क्षेत्र की जनता और ग्रामीण जनता इस भालू को अतिशीघ्र वन विभाग एवं शासन प्रशासन से इसको मारने की निवेदन करते हैं, क्योंकि हम लोगों के ग्रामीण लोगों की, हमारी यहां पर महिलाएं जो भी हैं, बाल बच्चे स्कूल जाने के लिए ये काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए हम आप वन विभाग एवं समस्त शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि तुरंत इस जंगली भालू को से निदान दिया जाए और इसको तुरंत ही या तो पिंजरे में डाल दिया जाए या इसका मार दिया जाए। यही निवेदन हम सभी ग्रामीण वन विभाग से करते हैं। हमारा गांव एक रिजर्व फॉरेस्ट के नज़दीक का गांव शिखर बीट के पास में रेंज धर्मगढ़ के अंदर आता है। इस गांव में तकरीबन 86 लोग रहते हैं। ये अपना घर के चारा, जानवरों के लिए चारा, ठंडे का मौसम है उसके लिए लकड़ी और पानी का स्रोत, जो आधे गांव से 54 लोगों को पानी का स्रोत जहाँ पर है, गांव से तकरीबन 2.5 से 3.25 किलोमीटर दूर, जो कि चपरशिला के अंदर है। हर सिंह विगत काफ़ी समय से इस पानी का रखरखाव करने के लिए गांव से नियुक्त किया था। वर्तमान में अब काफ़ी दिन हो गया है, बारिश न आने की वजह से पानी की समस्या से गांव जूझ रहा था। हर सिंह पानी के रखरखाव और देखरेख करने के लिए शोध की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में वहाँ पर एक मंदिर है, चंदनिया मंदिर बोलते हैं, उसके अगले गधेरे में भालू बिल्कुल नज़दीक से आकर के उसके ऊपर झपट गया। हर सिंह एक वृद्ध आदमी है जिसकी एज लगभग 73 ईयर है। वो हाथ में, उसके साथ में एक बड़ाट भी था, क्योंकि जंगल का एरिया है, तो भालू उससे लड़ गया। उसने बड़ाट चलाया और उससे वो बच गया, परंतु उसके मुंह में तकरीबन गाल से नीचे और एक सिर के ऊपर घाव कर रखा है, दूसरा हाथ कैजुअल्टी कर रखा है। जैसे तैसे गांव वाले डोली लेकर के सारे लोग वहां पर जा करके उसको ला के आगे को भेज दिया गया है। मैं वन विभाग शासन प्रशासन और जिला अधिकारी महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि विगत समय में भंडार गांव में और चुचेर में भी इसी किस्म का हादसा हुआ। अगर इस गांव में ये पहली बार ये घटना हुई है, अगर दोबारा ये घटना घटी, मैं सचेत करना चाहता हूँ शासन प्रशासन और वन विभाग को, ये गांव फिर अपने हाथ में, कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा तो ले सकता है। आज सुबह 9 बजे के आसपास मेरे गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं श्री हर सिंह महर जी, उनको गांव के पास में ही भालू ने हमला करके घायल कर दिया। इससे पहले भी हमारे गांव के आसपास में, भंडार गांव और चुचेर गांव में, दो घटनाएं हो चुकी हैं। आज ये तीसरी घटना है। इस समय हम लोग बागेश्वर जिला अस्पताल में हैं, घायल का प्राथमिक उपचार करा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि घायल को समय से उपचार मिल सके और उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो सके। बाकी हम लोग यहाँ पे, गांव के बहुत सारे लोग भी आए हैं, मैं भी यहाँ पे उपस्थित हूँ। हमने पहले भी मांग करी थी संबंधित विभाग से कि जो ये भालू है ये काफ़ी खूंखार हो चुका है। इससे पहले भंडार गांव के शेर सिंह और चुचेर गांव के भगत सिंह को इसी भालू के द्वारा हमला करके घायल किया गया, उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। आज ये तीसरा मामला है। तो हम लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि इस भालू को मारने के लिए संबंधित विभाग ने शासन से आदेश प्राप्त करने चाहिए, आदेश जारी कराने चाहिए और इस भालू को मारना चाहिए, क्योंकि इस एक प्रकार से अगर हम कहें तो एक ऐसा जानवर
जो गांव के आबादी के बीच में आके गांव के लोगों को हमला कर रहा है। गांव के लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं और इस समय गांव के लोग अपने जंगलों को जाते हैं अपना चारा लाने के लिए जानवरों के लिए और सूखी पत्तियां इकट्ठा करने के लिए, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए। लेकिन जब से भालू का आतंक हो रहा है गांव की महिलाएं, गांव के जो भी लोग हैं जंगल को नहीं जा पा रहे हैं और काफ़ी डरे हुए हैं। तो हम लोग शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं, संबंधित विभाग से यही मांग करते हैं कि इस भालू को एक खूंखार जानवर घोषित किया जाए। और चूंकि इससे काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हो चुका है, आगे भी पता नहीं कितने और लोगों को ये जख्मी करेगा, घायल करेगा, कितने लोगों पर हमला करेगा, ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसको जल्द से जल्द हम लोग कोशिश ये करनी चाहिए सरकार ने कि इसको मारने के आदेश जारी करने चाहिए। हम यही मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर संबंधित विभाग जो है उचित कार्रवाई करेगी। अगर संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, चूँकि हमने पहले भी ज्ञापन दिया हुआ है, तो हम लोग इस बारे में एक धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और जब तक इस भालू को मारा नहीं जाता है, सरकार के द्वारा इसको मारने के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, हम लोग आगे को आंदोलन करेंगे। बास्ती ग्राम कपूर ब्लॉक में पड़ता है, उधर आज भालू ने हर सिंह नाम के एक व्यक्ति को घायल कर दिया करके सूचना प्राप्त हुई। इसमें गांव वालों को सचेत किया जा रहा है कि आजकल जंगल में अपना आवागमन कम करें और जाना भी हो तो ग्रुप में जाएं। और सुबह शाम लाउडस्पीकर से भी हम सचेत कर रहे हैं, लाइट का उपयोग करें और झाड़ी वगैरह का कटान वगैरह करें और उसको आबादी से भगाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह शाम बंदा की टीम गश्त कर रही है और पटाखे वगैरह फोड़ के उसको उसके प्राकृतिक वास में गिरा जाने के लिए प्रयासरत है। अभी इनके प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ तुरंत 10,000 रुपये की धनराशि आहत ग्रुप पर निश्चित की गई है। शेष उपचार के उपरांत इनको अति शीघ्र मुआवजा अवशेष प्रदान कर दिया जाएगा। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।